मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रो मुख्य समारोह जयपुर में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नव नियुक्त कार्मिका ने दीना नियुक्ति पत्र। श्री अमरनाथ यात्रा आज सु शुरू। 4,072 श्रद्धालुओं रो पहलो जत्थो आज बाबा बर्फानी रो करेलो दर्शन। यात्रा ने लेर सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। प्रदेश में 1 जुलाई सु स्टॉप डायरिया अभियान करियो जावेलो संचालित। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह अभियान रे पहली करी समीक्षा तैयारियां ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच आज खेलो जावेलो T20 वर्ल्ड कप रो फाइनल मुकाबलो। टीम इंडिया दूसरी बार खिताब जीत बारी तैयारी में है। प्रदेश रा घनखरा इलाका में पुग्यो मानसून। कई इलाका में हुई झमाझम बरखा। मौसम विभाग आज सु 2 जुलाई ताई पूर्वी राजस्थान में तेज बरखारी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रो मुख्य समारोह आज जयपुर में आयोजित करियो जा रियो है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत कई अधिकारी मौजूद है। वठई नवनियुक्त कार्मिका ने नियुक्ति पत्र भी दिया गया। श्री अमरनाथ यात्रा आज सु शुरू होगी है। 4,072 श्रद्धालुओं रो पहलो जत्थो आज बाबा बर्फानी रा दर्शन करेलो। या यात्रा 2 महीना ताई चालेली। यात्रा ने लेर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करेगी है। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आज सुबह दोनों रूटों से पवित्र गुफा के लिए पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों में से तीर्थ यात्रियों ने प्रस्थान किया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से आए शिव भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरों से यात्री वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा चौकियां भी स्थापित की गई हैं। इन पर 24 घंटे हथियारबंद जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। प्रदेश में 1 जुलाई सु स्टॉप डायरिया अभियान संचालित करियो जावेलो। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह अभियान रे पूर्व तैयारियां री समीक्षा करी। प्रदेश में डायरिया माथे प्रभावी रोकथाम खातर 1 जुलाई सु 31 अगस्त ताई स्टॉप डायरिया अभियान चलियो जावेलो। इन अभियान रो उद्देश्य प्रदेश में डायरिया सु होबा वाली मौता री रोकथाम करनो है। एक जुलाई से लेकर 31 जुलाई का होगा और इसके अंदर ये सुनिश्चित किया गया है कि हर हॉस्पिटल, हर हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में ORS का पैकेट, जिंक की गोली अवेलेबल हो। तो ये हमारा पखवाड़ी की पहल है कि बजाय बीमारी होने से हमारा बचाव एक पहला साधन है। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई बच्चा बीमार हो और हम ट्रीटमेंट करें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास लड़ने का, उस बीमारी से जो लड़ने का शस्त्र है, अस्त्र है, वो पहले से मौजूद है, ताकि हम कैसी भी भयंकर बीमारी आने वाली से बच सकें। प्रदेश भर में काल राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनायो जावेलो। झुंझुनू में पल्स पोलियो महाअभियान रे तहत आज रैली काढ़र आम जन ने जागरूक करियो गयो। झुंझुनू बाय करीब 1500 बूथ बनाया गया है, जठे पल्स पोलियो मुक्त झुंझुनू करवाबा खातर 1,55,000 टाबरा ने पोलियो री दवा पिलाबा रो लक्ष्य रखियो गयो है। डिप्टी CMHO बताया कि यो अभियान 2 जुलाई तय चालेलो। जागरूकता रैली रे जरिए टाबरा ने बत्ता सु बत्ता बूथ माथे लिया खातर प्रेरित करियो गयो। बनाए हैं और हमने लगभग 1,55,000 का इसमें जो लक्ष्य रखा है, सारा जगह पे बूथ कवरेज वो बढ़ाने के लिए जगह जगह पे रैलियां निकाली गई हैं
और हमने 90% जो अचीवमेंट है वो बूथ कवरेज पर ही इसको अचीवमेंट करने की कोशिश की है। बाकी 100% लक्ष्य है, दो तीनों दिन में हम उसको कवर कर लेंगे। फिर भी किसी कारण से कोई घर में कोई बच्चा रह गया तो हम उसको 2 तारीख के बाद में 3 और 4 को इसको कवर कर लेंगे। इस अभियान में हम सभी को पोलियो मुक्त करें, और ये एक वायरल डिजीज है तो एक बहुत ही सीवियर संक्रामक डिजीज है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा है वो इसकी खुराक से वंचित नहीं रहे। बूंदी माए आमजन ने जागरूक करवारा उद्देश्य सु राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस रे तहत जिला मुख्यालय समेत जिला रा सगला चिकित्सा संस्थाना माए जन चेतना रैली काढ़ी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरतन कोहली, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामर हरी झंडी दिखार रैली ने रवाना कराया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरतन कोहली बताया कि जिला माए कुल 749 पोलिंग बूथ बनाया गया है। जागरूकता पैदा करने के लिए आज है जो ये पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रारंभ किया है। इस जागरूकता रैली से लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, ताकि पूरे एशिया से ही हमें जो इसको इरिडिकेट कर सके। भाई 1,87,000 बच्चों से ऊपर दवाई पिलाई जाएगी और 749 बूथ बनाए गए हैं। तो पूरे जिले में कल जितने भी बूथ हैं वहाँ पर दवाई पिलाई जाएगी, और सेकंड डे थर्ड डे अगर कोई बच्चे छूट जाते हैं तो हाउस टू हाउस से कॉन्टेक्ट करके भी सभी को 100% टारगेट अचीव किया जाएगा। नुआ कानून माए आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैड़ा मामला माए सजा ने और सख्त बनायो गयो है। नुआ कानून माए आतंकवाद से निपट बारी पूरी तैयारी करी गई है। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट। अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानूनों में पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान किया गया है जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। इसके अलावा ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। वहीं हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी, और दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है। 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है। वहीं 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। सीआरपीसी में गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया लिखी हुई है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसमें केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, इन सब का उल्लेख किया गया है। इसमें पहले 167 धाराएं थी, भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। वहीं 2 नई धाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराएं खत्म हो गई हैं। राजद्रोह अब देशद्रोह का अपराध होगा। नए कानून की धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, प्रतीकवादी भावना रखने या भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर किसी की हत्या करता है तो समूह के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। वहीं गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब खबर खिलाड़ी। बारबाडोस में आज T20 वर्ल्ड कप 2024 रो फाइनल मुकाबलो भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच वेलो। मैच आज रात 8 बजे सु खेलो जावेलो। भारत और दक्षिण अफ्रीकारी टीम अबार ताई एक भी मैच हारिया बिना खिताबी मुकाबला ताई पुगी है। फाइनल में आज जो भी टीम विजेता वेली वह भी बिना एक भी मैच हारिया वर्ल्ड कप जीत बारो नयो रिकॉर्ड बनावेली। के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहां के पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं, ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर एट में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिजो रबाडा और तबरेज शमसी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। और अब खबर मौसम रे। प्रदेश रा घनखरा इलाका माए मानसून पुक चुक्यो है। के इलाका माए झमाझम बारिश सु काश्तकार रा चेहरा खेल उठ्या है। काश्तकार खरीफ री फसल री बुवाई करबो शुरू कर देना है। काल जोधपुर, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा समेत के थोड़ा माए तेज बिरखावी। मौसम विभाग रे मुजब आज सु प्रदेश रा पूर्वी इलाका माए 2 जुलाई ताई तेज बरखा रो दौर जारी रह बारी संभावना है। और चालबाहू पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबर। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रो मुख्य समारोह जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नव नियुक्त कार्मिका ने दीना नियुक्ति पत्र। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुशुरू। 4000 सु 32 श्रद्धालुओं रो पहलो जत्थो आज बाबा बर्फानी रो करेलो दर्शन। यात्रा ने लेर सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। प्रदेश में 1 जुलाई सु स्टॉप डायरिया अभियान करियो जावेलो संचालित। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह अभियान रे पहले तैयारियां री करी समीक्षा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेलो जावेलो T20 वर्ल्ड कप रो फाइनल मुकाबलो। टीम इंडिया दूसरी बार खिताब जीत पारी तैयारी में है। प्रदेश रा घनकरा इलाका में पुग्यो मॉनसून।
कई इलाका में हुई झमाझम बिरखा। मौसम विभाग आज से 2 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान में तेज बरखारी जताई संभावना। हाल तक खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।